हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं वीडियो बनाने समय काफी ज्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि इसीलिए सिराज वापस आ चुका है। आई एम बैक करके उन्होंने एक ब्लॉग जो है डाल रखा आज। वैसे उनके फादर का ब्लॉग मैंने देख रखा था, उन्होंने बोला था कि बहुत जल्दी सिराजी वापस आने वाले हैं, कम बैक करने वाले हैं, तो देख लेते हैं हम। आई एम बैक करके आज एक वीडियो आया हुआ है, तो यार शिवाजी का वीडियो आए और हम इंडिया में बैठ के रिएक्ट ना करें, ऐसा हो सकता है? तो करते हैं हम ब्लॉग स्टार्ट। उससे पहले जिसने का इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर दो, और ये सोचो प्लीज इसलिए तो कर दो क्योंकि शिवाजी के ब्लॉग नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं फिर भी उनके फादर के ब्लॉग्स के जरिए अपडेट्स ले रही थी और वीडियो देख रही थी। समझ रहे हो फैंस लेवल कितना हाई है मेरा? तो देख लेते हैं हम ब्लॉग, उसके बाद रिएक्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वैसे तो आप लोग जानते हैं आजकल मैंने शिराज को रेस्ट दिया हुआ है, वो कोई व्लॉग नहीं बना रहा। तो आज छुट्टी का दिन था और बहुत सारे लोग मुझसे ये कह रहे थे कि आप शिराज की कोई ना कोई व्लॉग ज़रूर बनाएं आज छुट्टी के दिनों में। तो सोचा कि एक व्लॉग बनाया जाए ताकि आप लोग भी खुश हो जाएं शिराज और मुस्कान को देख कर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। तो बात यूँ है दोस्तों, अभी मैं शिराज और मुस्कान को लेकर जा रहा हूँ जी शिराज के दोस्त मोहम्मद हुसैन के घर। तो जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि आज से कुछ महीना पहले शिराज ने कहा था कि मैं अपने दोस्त मोहम्मद हुसैन के लिए एक घर बना के दूंगा, और उसने ये वादा किया था अपने दोस्त से। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके घर का काम स्टार्ट हो गया है जी, अभी नया घर बन रहे हैं जी। तो अभी आज हम आपको ये दिखाने लेके जा रहे हैं जी, काम कहाँ तक पहुँचा, इसका भी वीडियो है गाइस, मेरे अभी हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं हर 2-3 दिन बाद वहाँ जाके देखता हूँ जी घर का काम कैसा जा रहा है। तो अभी शिराज और मुस्कान भी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो ये देखें जी, अभी शिराज मेरे साथ है, मुस्कान भी पीछे से आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शिराज? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो पढ़ाई कैसे जा रही है आपकी आजकल? आजकल तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जा रहे हैं। तो आजकल क्या मसरूफियात हैं आपके, गांव में क्या करते रहते हैं आप? मेरे गांव में सबक पढ़ते हैं, मदरसा जाते हैं, ट्यूशन के लिए जाते हैं। और ये देखें जी मुस्कान इधर पानी पी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही है मुस्कान? कहाँ जा रही है? कर रहा है। अच्छा माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बाकी हमारे गांव का कुछ व्यू आप देख सकते हैं जी, माशाल्लाह से पूरा फुल ग्रीनरी हो चुकी है हमारे गांव में, और लोगों की मसरूफियात आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह से। ये लोग जो हैं अपने खेत को पानी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक शास जो आराम शास जी में शास जो छुता जो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, कह रहे हैं कि खेत को पानी दे रहे हैं जी, और इन्होंने ये आप देख सकते हैं पानी दिया है यहाँ से, और ये जा रहे हैं जी खेतों की तरफ। तो शिराज बताओ आज छुट्टी क्यों है स्कूल में? आज छुट्टी इसलिए कि आज योम तकबीर है, योम तकबीर। अच्छा माशाल्लाह, आपको पता है किसने सिखाया आपको? तब्दीर, तब्दीर। मेरे अबू ने। अबू ने सिखाया। योम तकबीर का मतलब क्या है? पाकिस्तान ने बम बनाया है ना, उसको योम तकबीर कहते हैं। अच्छा जी माशाल्लाह, ये देखिए जाकर छोटे छोटे बच्चों को भी पता है माशाल्लाह। मुस्कान आप स्कूल क्यों नहीं गई? हैं? नहीं। क्यों नहीं गया? आज छुट्टी नहीं, आज छुट्टी है। क्यों छुट्टी है? छुट्टी योम तकबीर है। आए चलो चलो आगे चलो शाबाश। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं शिराज? हम मामू हुसैन के घर को देखने के लिए, उसके घर तो बना रहे हैं ना। आप बना रही हैं माशाल्लाह। हाँ, आपने उस दिन कहा था ना, क्या कहा था आपने? मामू हुसैन के लिए एक घर जरूर बनाऊंगा इंशाल्लाह। ओ तो आप बना रही हैं माशाल्लाह से ना, जबरदस्त जबरदस्त। तो शिराज बना रहे हैं जी अपने दोस्त के लिए घर, तो उसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं जी मोहम्मद हुसैन के गांव। देखें जी काफी पुरसुकून गांव है जी, अलग अलग गांव से है क्या? बहुत ही खामोश आप देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे भी घर ऐसे ही बने हुए हैं, लोगों के घर मिट्टी से बनाए गए घरों में रहते हैं जी लोग। क्या दुकान में जाना? क्यों? सिगार लेने के लिए दुकान में जाना है। क्या लेना है? क्या है तो ले लेंगे। खाने के लिए कुछ लेंगे? हाँ, खाने के लिए। आपको भूख लग रही है? हाँ, बहुत भूख लग रही है। अच्छा चलो ठीक है। तो अभी यहाँ पे गाउन के एक दुकान में हम जा रहे हैं जी, यहाँ से हम जो है कुछ लेंगे बच्चों के लिए। अच्छा ये है दुकान के। पापड़ चलो। शिराज आपने पापड़ खाना है?
पापड़ क्यों क्यों नहीं खाते हैं? पापा ठंडे हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अच्छा, बादारी चीजें ज्यादा नहीं खाते आप? ज्यादा नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। थोड़ा थोड़ा खाते हैं। वो भी क्या खाते हैं? बिस्कुट और बिस्कुट वगैरह। अच्छा, पैसे दो दो अंकल को। पैसे दे दिया। कितना दिया? 10 रुपए। 10 रुपए? अच्छा, 10 रुपए की आपने खरीदारी की है। गुड गुड, चलो आओ। ये हमारे शराफत भाई की दुकान है जी, हमारे गांव में ही है, मोहम्मद हुसैन की गांव में ये दुकान है जी, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना पुरसकून गांव है ना दोस्तों। करे बेटा, इतना याद करें, इतना याद करें ना फैंस, आपके फैंस आपको इतना चाहते हैं। वो मुझे कमेंट्स पे कमेंट कर रहे हैं कि शिराज को दिखें, हमें आपको नहीं देखना है, शिराज को देखना है। मुझ पे गुस्सा करें सब, इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। छुट्टी का दिन है और आप भी फारिग है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके फैंस के लिए जस्ट, ठीक है ना। वो लोग खुश हो जाएंगे आपको देख कर। भी? मुझे देखकर कहाँ खुश होते हैं यार आपको देखकर खुश होते हैं ना। अच्छा। लोग आपको देखना चाहते हैं, ठीक है ना। शाबाश। ये देखें जी, अभी हम कहाँ पहुँचे हैं शिराज? ये देखें जी, ये वही गलियाँ हैं जी जहाँ पे शिराज अपने दोस्त मोहम्मद हुसैन से मिलने के लिए आए थे। कभी पक्की फ्रेंडशिप है भाई मोहम्मद हुसैन घर पे होगा या नहीं होगा पता नहीं। और आप देख सकते हैं जी, ये इनका पुराना घर था, ये बिल्कुल गिरा दिया है और उसके बाद जो ब्लॉक है, मट के ब्लॉक हैं, वो इधर जमा करके रखे। और माशाल्लाह ये देखें जी, ये है मोहम्मद हुसैन का घर, का काम शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये जी देखें जी, ये देखें, ये इनका ना पुराना जो घर है वो अभी भी इसी में रहते हैं। इधर भी कुछ कमरे बनाए हुए थे ना, तो अभी इसको गिरा दिया है और इसके काम अभी जारी हैं। शिराज जा रहे हैं जी मोहम्मद हुसैन से मिलने के लिए सीधा उनके घर ही। शिराज कहाँ, किधर? मोहम्मद हुसैन से मिलने जा रहे हैं, इधर बुलाओ ना मोहम्मद हुसैन को, हम भी मिलते हैं उनसे। मुस्कान ये देखें जी, मुस्कान तो सीढ़ियाँ चढ़ने में बड़ी तेज़ हैं जी। मुस्कान सीढ़ियाँ और पेड़ चढ़ने में तो बहुत तेज़ है। लकड़ी का सीढ़ी बनाया हुआ है। नहीं है मोहम्मद हुसैन, कहाँ गया वो? पता नहीं, वो घूमने गया है। घूमने कहाँ? घूमने तो पता नहीं, उधर 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 पहाड़ों में। पहाड़ों में नहीं ना, उधर उधर। मोहम्मद हुसैन पहाड़ों में भी जाते हैं कभी? कभी कभी जाते हैं। कभी कभार जाते हैं? उधर तक, उधर तक। उधर तक जाते हैं? आप कभी उधर गए हैं पहाड़ों में? नहीं 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 गए। क्यों? आप गए हैं? आप गए? हाँ मैं तो कई बार गया हूँ, आराम से। ये देखे मुस्कान की निस्बात शिराज जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ने में इतना तेज़ नहीं है, वो बड़ा डर डर, वो बहुत डर डर के सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, लेकिन मुस्कान को कोई परवाह नहीं होता। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। मोहम्मद हुसैन तो आ गया जी, मोहम्मद हुसैन आ गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मोहम्मद हुसैन? माशाल्लाह माशाल्लाह, हम आपके पास आए थे शिराज, आपसे मिलने आए थे, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड। माशाल्लाह क्या कर रहे हैं? दोनों दोस्त मिल गए जी, माशाल्लाह जी, बहुत पक्की दोस्ती है वैसे। माशाल्लाह, ये आपके दोस्त है ना मोहम्मद हुसैन? माशाल्लाह, स्कूल जा रहे हो मोहम्मद हुसैन जी? वेरी गुड। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? वन क्लास में पढ़ते हैं। माशाल्लाह, दिल लगा के पढ़ना है, ठीक है? वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है मोहम्मद हुसैन, शाबाश। बाकी हम मोहम्मद हुसैन का घर आपको दिखाते हैं जी माशाल्लाह से। ये देखें, अभी ये थोड़ा सा ना काम हो चुका है, बाकी हम इसके अब्बू से बात करते हैं। ये देखिए, ये है जी मोहम्मद हुसैन के वालिद साहब, यहाँ पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कर रहे हैं अभी आप? गटर कर रहे हैं। अच्छा, गटर का काम कर रहे हैं। बाकी ये जो काम अभी थोड़ा किया है वो क्यों रुका हुआ है, क्यों नहीं आ रहे वो दो लोग? सिर्फ फिलिंग, फिलिंग किया है, फिलिंग का काम मुकम्मल हो चुका है ना, तो अभी दूसरे जो काम आगे कब तक बढ़ेगा, कब आएंगे वो लोग? कल परसों आएगा माशाल्लाह। आप खुश हैं? खुश है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी दे ज़िंदगी में, अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे, तो इंशाल्लाह आपका घर बहुत अच्छे से बन जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
तो ये हमारे अली भाई हैं जी, बहुत ही मुखलिस, बहुत ही मेहनती भाई हैं, और मोहम्मद हुसैन के वालिद साहब हैं जी। तो अभी इंशाल्लाह यहाँ पे उनका एक अच्छा सा एक घर बनेगा, बाकी अभी ये लोग को उसमें रह रहे हैं। अभी मोहम्मद हुसैन और शिराज पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये देखें जी, अली भाई यहाँ पे काम करें। चले अली भाई आप काम करें, खुश रहें इंशाल्लाह, मैं चक्कर लगाता रहूँगा इंशाल्लाह। बहुत नन्मेश, बहुत शुक्रिया, बासम बसों। तो ये देखें जी वो काम करें, अभी ये फिलिंग का काम, उनका कहना है कि फिलिंग का काम हो चुका है, अभी दूसरे जो थोड़े बहुत काम हैं वो इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद दोबारा शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, मज़ीद काम आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे आप देखें जी, ये अपने भेड़ बकरियों के लिए जो है वो घास लेके आए हैं, और इन्होंने यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं जी, माशाल्लाह। ए ये कौन है? मैं शिराज हूँ। शिराज नहीं है ये तो? है, है। ये तो मैंने कहीं देखा है इस बच्चे को, ले ये तो शिराज है यार। इससे टूट नहीं जाते, अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए ये पहनते हैं। हाँ। फिर पहन के फिर काम करते हैं? हाँ, फिर इनके पैर काम करते हैं। अजीब लग रहा हूँ ना। मुस्कान क्या खा रही है? मुस्कान चंगम चंगम। चले मोहम्मद हुसैन से मिलो, ठीक है? कुछ बातें शातें करना है तो करो, फिर हम वापस जाते हैं, ठीक है? अब्दुल्ला ये लो, अब्दुल्ला भाई से भी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है अब्दुल्ला, खैरियत से हैं? ये भी आपका दोस्त है ना अब्दुल्ला? हाँ। भी अब्दुल्ला भी माशाल्लाह। कौन से क्लास में पढ़ते हैं अब्दुल्ला? थ्री क्लास में। शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा है अब्दुल्ला भी, माशाल्लाह जबरदस्त। और मोहम्मद हुसैन और ठीक है आप? जबरदस्त। आओ आओ। तो दोस्तों मैं काफी अरसे बाद अपने दोस्त मामू हुसैन से मिला हूँ, थोड़ा बातचीत करते हैं। और कैसे मामू हुसैन, ठीक है? जी फाइनली शिराज ने ब्लॉग में आना शुरू किया लास्ट एक दो मिनट में। जी अच्छा अच्छा अच्छा, आप पढ़ाई ठीक से करो, ठीक है? आप और जहनदार है, ठीक है? पढ़ाई ठीक से करो, आप दिल लगा के पढ़ो, ठीक है? फिर आपके घर बनेगा, फिर आप भी फिर आप क्या करेंगे, फिर भी पढ़ाई करो, ठीक है? फिर आप बड़ा बड़ा बन जाएंगे, ठीक है? बड़ा आदमी। ओके मामू हुसैन, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। चले शिरा चले फिर अभी। अल्लाह हाफिज़ मामू हुसैन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ अब्दुल्ला। चलो भाई गए। मामू हुसैन को दे दो शाबाश, भाई को दे दो शाबाश। चलो आराम आराम से चलो मुस्कान। ये देखें जी शिरफ माशाल्लाह कितने अच्छे से बात करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई है जी, मोहम्मद हुसैन का घर के काम भी हो रहे हैं, फिलिंग का काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ही दिन बाद जो दीवार बनाने का काम है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, और इंशाल्लाह जब ये घर बन जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा इंशाल्लाह इसका घर दिखाऊंगा, क्योंकि ये दिखाना ज़रूरी भी था, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया था। शिराज ने कहा था कि उसका घर तो बनाएंगे, लेकिन काम तो हो रहा था लेकिन दिखाया कभी नहीं था, तो ये बहुत ज़रूरी था आप लोगों को दिखाना। अभी हम जा रहे हैं जी वापस अपने घर की तरफ। मुस्कान थक गई तो मेरे गोद में आ गई है, बाकी इंशाल्लाह जब तक शिराज वापस नहीं आता उस वक्त तक मैं कोशिश करूँगा अपने व्लॉग में उनके जो छोटे छोटे एक्टिविटीज़ होते हैं वो आप लोगों तक शेयर करता रहूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करके कमेंट्स में भी कह रहे हैं कि शिराज की आप थोड़ा थोड़ा वीडियो बना के हमें ज़रूर दिखाया करें। तो इसीलिए आज छुट्टी का दिन भी था तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाएंगे, ताकि आप लोग भी खुश हो जाएं शिराज और मुस्कान को देखकर। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुस्कान को भी अल्लाह हाफिज़ करो। मुस्कान अल्लाह हाफिज़ करो। मुस्कान अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना। ओके गाइस, वीडियो हो गया खत्म। ये था आई एम बैक का, और थोड़ा और बड़ा होता वीडियो तो मैं और ज्यादा एंजॉय करके देखती, बट फाइनली शिराज जो है कम बैक कर चुके हैं अपना, मतलब बैक कर चुके हैं, और मुझे अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात मुझे ब्लॉग में ये देख के अच्छा लगा, मोहम्मद हुसैन का घर। शिराज ने एक वीडियो बनाया था, उस दिन मैंने बोला था देखना जिस दिन ये घर का काम बनना शुरू हो जाएगा वगैरह तब भी हम वीडियो बनाएंगे करके। आज वो दिन भी आ गया, और इतनी जल्दी से मतलब बनाना भी शुरू कर दिया। ये वही बात होती है ना, अगर आप किसी से कह रहे हो
तो मतलब आप उस चीज को पूरा कर भी रहे हो करके मतलब बहुत अच्छा लगा यार मुझे इनके फादर का ये काम। और मैं तो दोनों को ही देखना पसंद करती हूँ, उनके फादर को भी उनको भी, क्योंकि बहुत मतलब अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के साथ साथ मतलब बहुत लोगों की हेल्प भी करते हैं, और वो ये सब कुछ देख के काफी अच्छा लगता है। मिलेंगे गाइस आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके प्लीज कर दो, और बाय बाय।